राष्ट्रीय महिला आयोग के फाउंडेशन डे पर आयोजित महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अभी हाल ही में सभी देशवासियों ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। मुझे ये देखकर बहुत गर्व हुआ है कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में हमारी महिला शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन था। विभिन्न राज्यों सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों की झांकियां नारी शक्ति के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को समर्पित था। नारी शक्ति का ये सम्मान एक उभरते हुए नए भारत की को दर्शाता है। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि ये प्रदर्शन केवल एक प्रतीक ना हो बल्कि वास्तविक हो। खास तौर पर विशेषकर जमीनी स्तर पर हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और अनेक नेतृत्व का ठोस उदाहरण है। देवियों और सोजन, आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल है कि आखिर हमें महिलाओं के लिए आयोग अलग से एक आयोग बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाता है। हम देखते हैं कि हमारी बहनें बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं, सैन्य दलों में नेतृत्व दे रही हैं, तो दूसरी ओर ये घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है और उन्हें वर्कप्लेस में डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मिशन है महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं उन पर अत्याचारों से पैदा हो रही विशिष्ट समस्याओं को हल करना और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रयास करना। देश की आधी आबादी के लिए एक अलग आयोग बनाने की आवश्यकता ये दर्शाती है कि महिला शक्ति का उसका यथाचित सम्मान और अधिकार मिलना बाकी है। महिलाओं की स्थिति में सुधारने से देश समग्र प्रगति कर सकेगी। ये भी देखने में आया है कि जिन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है वहीं पर भी पुरुष ही आगे आ रहे हैं। आरक्षण का लाभ भी अभी तक महिलाओं तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए। महिला शक्ति के बिना एक सशक्त और स्वस्थ समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं हो सकता। स्त्री को केवल पूजा यज्ञ मान लेना और कह देना काफी नहीं है। आज 21वीं सदी में महिलाएं सार्वजनिक और निजी जीवन में आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रही है। हम सबके मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से भाग ले करके और अहम योगदान दे करके भारत को सशक्त बनाने हैं और महिलाओं को भी सशक्त बनाना है। देवियों और सज्जन, महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, ये एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। जो महिलाएं सशक्त होते हैं तो देश आगे बढ़ता है। विभिन्न अध्ययनों से ये पता चला है कि जो महिलाओं को शिक्षा और नौकरी में समान अवसर दिए जाते हैं तो उनकी वर्कफोर्स में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होता है।